ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। महाराज प्रथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक क्रमांक 33। तत् तत् त्वं कुरु मया आदिष्टम् अप्रमत्तः प्रजापते मत् आदेशकरः लोकः सर्वत्र आपनोति शोभनम्। तत्त्वं कुरु मयादिष्टम् आप्रमत्ता प्रजापते मदादेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम्। शब्दार्थ तत् अतः त्वं तुम कुरु करो मया मेरे द्वारा आदिष्टम आज्ञा अप्रमत्तः दिग्भ्रमित हुए बिना प्रजापते हे प्रजा के स्वामी मत मेरा आदेश करह आज्ञा पालन करने वाला लोकः कोई व्यक्ति सर्वत्र सभी जगह आपनोति प्राप्त करता है शोभनम मंगल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। तात्पर्य, धार्मिक जीवन का सार है भगवान के आदेशों का पालन करना और जो ऐसा करता है वह पूर्ण रूप से धार्मिक है। भगवद गीता 18:65 में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा ही चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। वे आगे भी कहते हैं भगवद गीता 18:66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सभी प्रकार की भौतिक व्यस्तताओं को त्याग कर मेरे शरणागत हो, यही धर्म का मूल नियम है। जो कोई भी भगवान के ऐसे आदेश का पालन करता है वह वास्तव में धार्मिक पुरुष है। अन्य सबों को वंचक कहा गया है क्योंकि धर्म के नाम पर ना जाने कितने प्रकार के कार्य दुनिया भर में चल रहे हैं जो वास्तव में धार्मिक नहीं है, किंतु जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल ही होता है। ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में महाराज प्रथु को
बता रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है। तो पृथ्वी महाराज ने अलग अलग प्रार्थनाएं हैं वो अर्पण की हैं, और किस तरह से उन्होंने 99 जो यज्ञ किए उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि अभी एक और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, जो यज्ञ का उद्देश्य है यज्ञो वही विष्णु वो आपसे प्रसन्न है, और भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं। अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है तत्त्वम कुरु मयादिष्ट, कि मेरी आज्ञा का पालन करो। अप्रमत्ता प्रजापति, अप्रमत्ता मतलब मत्त, मतलब क्या होता है पागल, प्रमत्त मतलब पूरी तरह से पागल, अप्रमत्त मतलब उसका उल्टा, मतलब आज्ञा को पालन करने में क्या करना है बहुत ही सावधानी बरतो। तो जो मैं आदेश दे रहा हूँ उसको पालन करने में प्रमत्त मत होना, मत्त मत होना, अप्रमत्त रहना, सावधानी बरतना। मदादेश करो लोका, और अगर आप मेरे ऐसे आदेशों का पालन करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, तो क्या होगा सर्वत्र आपनोति शोभनम, सभी तरह का, सर्वत्र मतलब हर जगह, सभी जगह, आपनोति मतलब प्राप्त होगा, शोभनम मतलब मंगल। तो बहुत ही आध्यात्मिक जीवन का क्या है, बहुत सार रूप है, एसेंस है कि मेरी आज्ञा का पालन करो अप्रमत्त हुए बिना, प्राइड आए बिना, उसमें सावधानी बरतना है, है ना। अपि प्रमादा बोलते हैं सावधानी पूर्वक जप करना। तो अप्रमत्त प्रजापते, तो भगवान के आदेशों को बहुत ही सावधानी से पालन करना है, और जब हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो सभी तरह का मंगल होगा, ये इस श्लोक में बताया गया। तो भगवान के आदेश क्या हैं, भगवान की आज्ञा क्या है, तो भगवान अपने आदेशों को और आज्ञा को शास्त्रों के माध्यम से, जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके माध्यम से अपनी आज्ञाओं को, आदेशों को प्रकट करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारो ओई देश। तो अमार आज्ञा, कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु होई तारो ओई देश, कि मेरी आज्ञा पर गुरु बन जाओ, और मेरी आज्ञा पर गुरु बनकर तारो ओई देश। इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान की भी आज्ञा है, क्या आज्ञा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि सभी तरह के तथाकथित धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो भगवान ये आज्ञा दे रहे। तो जो भक्ति का जो सार है वो क्या है, भगवान की और गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो भक्ति में एक बाहरी क्रियाएं हैं और एक है आंतरिक परिवर्तन। तो बाहरी क्रियाएं जैसे कि हमें रूल्स और रेगुलेशन बताए जाते हैं, विधि निषेध बताया जाता है, ये करणीय है ये अकरणीय है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, ये कार्य करना है ये कार्य नहीं करना। लेकिन वो जो नियम है या विधि निषेध है उसके पीछे जो स्पिरिट है, उसके पीछे भावना है कि ये भगवान को प्रसन्न करता है और ये भगवान को अप्रसन्न करता है, है ना। अपने आप में जो नियम है अगर उसको भी हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन अल्टीमेटली उसकी जो जान है, उसकी जो स्पिरिट है, वो क्या है, गुरु की प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता। जैसे कि यहाँ भगवान विष्णु पृथ्वी महाराज को बोल रहे हैं। तो जो भक्ति है, भक्ति मतलब भक्त है और भगवान है, साधक है और भगवान है। तो साधक में और भगवान में एक संबंध है, है ना। भक्त में जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान में उनमें संबंध है। तो जब जहाँ पे संबंध बनता है, संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की जो इच्छाएं हैं उसको जानना जरूरी है। हम फोर्स से किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं, या हम कुछ कार्य करके
ऐसा वो प्रसन्न ही हो जाए सामने वाला, ऐसा भी नहीं कर सकते। वो सामने वाला प्रसन्न होगा उसके लिए सामने वाले की हमें इच्छाओं को जानना होगा कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं। अगर हमने सामने वाले की इच्छाओं को नहीं समझा या हमने क्या अपेक्षाएं हैं उसको नहीं समझा और अपने हिसाब से कुछ ऐसा कार्य किया जो कि गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है वो पूर्ण रूपेण प्रसन्न ना हो। तो भक्ति में ये बहुत ज़रूरी है। जो अन्य मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, हठ योग है, वहाँ पे व्यक्ति क्या होता है, उसे अपने बल पर बहुत विश्वास होता है कि मेरे में इतना बल है, मेरी इंद्रियों में इतना बल है, मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, मेरे शरीर में इतना बल है और मैं बुद्धि से अपने शास्त्रों को समझ सकता हूँ और मुझे सब पता है, और फिर बस ये करना है, कर्म योग है, नियत कर्म करना है और नियत कर्म में भोग की इच्छा नहीं होना है और अपना कार्य करते रहना है, ज्ञान का अनुशीलन करना है, नेति 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 ये नहीं है ये नहीं है, और हठ योग में अपनी यांत्रिक विधियों से अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, और इससे क्या होगा, मैं सत्य को प्राप्त कर लूँगा। तो भावना ये है कि मैं अपने बल पर, हिंदी में बोले अपने दम पर, मैं परम सत्य को समझ सकता हूँ। लेकिन भक्ति में पूरा उल्टा है। भक्ति में हमें अपने मनोवृत्ति को, हमें अपने एटीट्यूड को पूरा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, यहाँ हमें गुरु को प्रसन्न करना है, और जब गुरु प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होंगे उसके माध्यम से प्रगति होगी, उसके माध्यम से इंद्रिय संयम होगा, उसके माध्यम से ही सेवा की पूर्णता होगी। नहीं तो हमने कार्य कर लिया अपने दम पर या अपने हिसाब से, तो भगवान प्रसन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले हमें अपने हृदय में ये जानना चाहिए कि अंततः हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम भक्ति क्षेत्र में आए हैं और वो भी वैष्णवों की, गुरु की कृपा से आए हैं। हमारी स्वयं की इच्छा थोड़ी सी है, लेकिन अल्टीमेटली जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनके माध्यम से हमें भक्ति में लाया गया है, है ना। तो भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, तत् सुखित सुखित्वम, तत् सुखित सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी होना। ये भक्ति को नारद मुनि एक तीन शब्द में समझाते हैं, तत् सुखित सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी होना। तो भगवान का सुख किस में है? भगवान की आज्ञा का पालन करने में, भगवान की इच्छाओं को समझने में, है ना। और भगवान, तो भगवान की आज्ञा को समझकर उसको जब हम क्रियान्वयन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे आहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जैसे अगर जो विषय है, मुख्य वस्तु है या व्यक्ति है, एक दर्पण के सामने खड़ा होता है और दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उसको सजाते हैं, तो जो प्रतिबिंब होता है वो अपने आप ही सुंदर लगना चालू हो जाता है। उसी तरह से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करने से भगवान को और गुरु को अगर प्रसन्नता हो रही है तो हमें अपने आप ही प्रसन्नता होगी। भगवान और गुरु को छोड़कर अगर हम भक्ति में प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं तो वो एक मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर वो प्रसन्नता हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि अल्टीमेटली हम भक्ति में आए क्यों हैं, हम भक्ति क्यों कर, हम क्या चाहते हैं, है ना। व्हाट डू यू रियली वांट, अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा शांति भरा जीवन हो, या हम ये चाहते हैं कि एक सात्विक जीवन हो, या हम ये चाहते हैं कि ये भौतिक जगत में इतना सब परेशानी है तो अच्छा है कि इस संघ में रहेंगे, थोड़ा सा पीसफुल रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, ये चाहते हैं, या हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहते हैं कि अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसकी उसमें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, है ना, उसमें हमारा नाम होना चाहिए, या हम कंट्रोल करना चाहते हैं किसी को, या हम अपनी परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं,
अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं, ये हमें अपने से समझना। जब हमको ये फिक्स हो जाएगा कि मैं ये चाहता हूँ, तो बाकी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हमें यही नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा पता है गुरु की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता है, ये पता है, लेकिन फिर भी वो इतना स्पष्ट नहीं है। जैसे कि अगर कुछ मतभेद हो जाता है या कुछ समस्या हो जाती है, तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि भक्ति भी अपनी कम कर देते हैं या मंदिर आना भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी क्या है, मुझे मान मिलना चाहिए था। अगर मुझे मान नहीं मिला तो वो मेरे लिए प्राइमरी है, और भगवान की सेवा करना वो तो सेकेंडरी, वो तो हो जाएगी, इतने सारे सब तो हैं, लेकिन मेरा जो मान है वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान अलग अलग इंसिडेंट के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा हमारे हृदय का क्या करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि आपको चाहिए क्या है, आप किस लिए भक्ति में आए हो। तो हम रोज उच्चारण करते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतार भक्तिर अहेतुकी। तो ये इसको रिसाइट करना, इसको याद करना, इसको लिख देना, इसको बता देना आसान है, सब आसान है, लेकिन इसको पालन करना, इसको हृदयांगन करना, पूरा अंदर तक बैठाना, वो बहुत मुश्किल है ना। जब स्तुति नहीं होगी हमारी, जब हमको मान नहीं मिलेगा, है ना, जब हमारी बात को सुना नहीं जाएगा, जब हमारे बात के विपरीत कुछ कार्य किया जाएगा, तब हम उस समय मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतार भक्ति अहेतुकी, तब वो सेकंड वाली लाइन याद आएगी कि नहीं आएगी, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बताया था, श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, है ना, श्रवण करना है, सुनना है ना, मननम उस पर विचार करना है, और निधि ध्यासनम मतलब उसको व्यवहारिक रूप से पालन करना है ना। तो ये मनन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या हम शुद्ध भक्ति को कल्टीवेट कर रहे हैं, है ना, क्या हम गुरु के आदेशों को समझ रहे हैं, गुरु की इच्छा को समझ रहे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा है, वो नहीं समझ रहे, तो वहाँ से वो संबंध नहीं बन पाएगा, वो प्लेजर के लिए नहीं होगा, वो एक ठीक है कुछ शुद्धिकरण होगा, है ना। भगवान बोलते हैं, यत करोसी यद असनासी यद जहोसी दताती यत यत तपस्यसी कौनतेय तत्कुरुष मद अर्पण, मुझे अर्पण करो, ठीक है, अच्छा है, कम से कम कुछ हमारी भावना है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवद गीता सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर आए, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् म्यच्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। ये तीन शब्द हैं, यही है बस आध्यात्मिक जीवन में, बस यही है और कुछ भी नहीं है। करिष्ये वचनम तव, कि भगवान अभी आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, है ना। सोल्ड एनिमल, स्लेव, बाहर के लोग सोचते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है लोगों को कमज़ोर कर देता है, बार बार बताता है हम निर्बल हैं, है ना, हम कमज़ोर हैं, हमारे कोई ताकत नहीं है, है ना, हमको दास दास, हमको हम सबको मास्टर बनना है, हम सबको प्रभु बनना है ना। प्रभुपाद जी एक हिंदी लेक्चर में बोलते हैं, सब प्रभु बनना चाहते हैं, कोई दास बनना नहीं चाहता, तो हर कोई प्रभु मास्टर स्वामी बनना चाहता है, है ना। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो इस चीज़ को स्वीकार करना कि हम कमज़ोर हैं, ये निर्बल हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है। अगर हम भगवान के शरणागत हैं, है ना, माया मेताम तरंती थे, है ना, मम माया दुरत्तया, ये माया को पार करना क्या है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भगवान की शरण लेते हैं, जैसे कि उदाहरण आता है कि एक बच्चा है, अगर वो बहुत ट्रैफिक है, बहुत अधिक ट्रैफिक है, और रोड को क्रॉस करना चाहता है ना, तो वो बहुत डर जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, बहुत डरा रहेगा, लेकिन अगर उसने पिता का हाथ पकड़ा है और पिता रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको चिंता नहीं होगी कौन सी कार आ रही है, कौन सी कार जा रही है, कौन कहाँ से जा रहा है, कौन, क्योंकि उसने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो क्या है, रोड को क्रॉस कर जाएगा। तो इसी तरह से भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हम स्मूथली चलते रहेंगे।
और पिछले श्लोक में जो हमने कल चर्चा किया था उसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया था, प्योरिटी ऑफ पर्पस, शुद्ध उद्देश्य। ये बहुत प्रभुपाद जी ऐसे कुछ अंग्रेजी उन्होंने शब्द उपयोग किए हैं जिससे कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ शास्त्रों का मर्म उसमें छुपा होता है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हमारी भक्ति सेवा में क्या होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ पर्पस। आपका उद्देश्य क्या है, आप जब कोई कार्य कर रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, आप क्यों करना चाह रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली वाई, क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उद्देश्य क्या है, एकमात्र गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो प्रभुपाद जी विचार कर रहे थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत वर्ष पहले आदेश दिया था कि आप एक युवा हैं, है ना, और आप पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी विचार कर रहे थे कि उस समय मैं गृहस्थ आश्रम में था, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैं अपने गुरु महाराज के आदेश को उस समय पालन नहीं कर पाया, अभी मैं वृंदावन में हूँ, लेकिन कैसे वो आदेश कैसे मैं पूरा कर पाऊँगा, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक कॉमेंट्री पढ़ा, है ना, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, उसकी कॉमेंट्री पढ़ा। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक क्या है, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना, है ना। और भगवान अगले उसके 3 श्लोक की बात क्या बोल रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। मतलब भगवान दोनों बता रहे हैं, अगर आपको फिक्स्ड इंटेलिजेंस करना है एकदम व्यवसात्मिका बुद्धि तो आपको ये करना होगा, और किसकी व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं हो पाती, कौन एक निष्ठ नहीं हो पाता है। तो भगवद गीता बहुत ही मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं, ऐसा अनक्लियर नहीं है, हर चीज़ स्पष्ट है। आपकी एक निष्ठ भक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना। अगर आप कहीं ना कहीं भोग ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य ढूंढ रहे हैं, सूक्ष्म रूप से भोग ढूंढ रहे हैं या स्थूल रूप से भोग ढूंढ रहे हैं, है ना, स्थूल तो फिर भी समझ में आ जाते हैं कुछ समय के बाद भक्ति करने के बाद, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो भोग होते हैं वो हमें ही समझ में नहीं आते कि हमारे अंदर भोग है, तो इसीलिए हमारी एक निष्ठ भक्ति नहीं हो पाती, ये ऊपर नीचे होता रहता है, है ना। और व्यवसात्मिका बुद्धि कब होगी, प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिख रहे हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतो भी, कि जिनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जिनके अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस श्लोक के ऊपर, व्यवसात्मिका बुद्धि के श्लोक के ऊपर अपनी कॉमेंट्री लिखी। उन्होंने क्या बोला है कि मेरे जो गुरु के आदेश हैं भगवान की सेवा करने के, जो गुरु के द्वारा मुझे आदेश दिए गए हैं, है ना, आज्ञा दी गई है, गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है वो ही मेरी साधना है, वो ही मेरा साध्य है। मतलब साधना मतलब प्रोसेस और साध्य मतलब गोल, मतलब जो अभी मैं कर रहा हूँ वो भी गुरु का आदेश है, और जब मैं पूर्णता पे पहुँच जाऊँगा तो भी गुरु का आदेश, है ना, यही मेरी लाइवलीहुड को क्या बोलेंगे, यही मेरा जीव को पार्जन है, भक्ति का मेरा जीवन इसी से चलेगा, गुरु का आदेश से। मैं किसी भी अवस्था में गुरु के आदेशों को छोड़ने में असक्षम हूँ, चाहे मैं साधना की अवस्था में हूँ या सिद्ध अवस्था में हूँ। इसके अलावा स्वप्न में भी मैं कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं सोच सकता, मैं प्रसन्न रहूँ अप्रसन्न रहूँ, ये भौतिक जगत रहे भौतिक जगत खत्म हो जाए, लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन जो कि भगवान की सेवा तक हमको ले जा रहा है वही मेरे अल्टीमेटली प्राण है। तो अगर इस तरह से हमारी चेतना है, इस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस है, तो भक्ति में क्या होगा, फिर वो एक निष्ठता रहेगी, अनन्य भाव रहेगा। अगर ये चेतना नहीं है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसम, अप्रत फिर से शब्द आया, अप्रत यहाँ आया था अप्रमत्ता, तो क्या होगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम,
जैसी हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं वैसी क्या होगी, हमारी चेतना को चुरा लिया जाएगा। हमारी चेतना क्या है, आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी, चुरा के क्या हो जाएगा, भौतिक स्तर पर आ जाएगी और फिर मन हमेशा भटकता रहेगा, मन इधर उधर विचलित होता रहेगा। तो इस तरह से जो गुरु के आदेश हैं, और जब गुरु कोई आदेश देते हैं तो आदेश पालन करने के पीछे उसकी शक्ति भी देते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा अपने गुरु महाराज के लिए, उसमें लिखते हैं, तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ठान ठान, होए जाते गौरांगेर नाम, पृथ्वी ते नगर आदि असमुद्र नद नदी, सकलई लोय कृष्ण नाम। तार इच्छा बलवान, कि जो मेरे गुरु महाराज की इच्छा है वो बहुत बलवान है, केवल इच्छा नहीं है कि ये करो, उस इच्छा के पीछे क्या है, आध्यात्मिक बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, केवल छोड़ने नहीं रहा है कि इच्छा को पालन करो। जब हम इच्छा को पालन करेंगे उस इच्छा के पीछे गुरु हमको सारी शक्ति प्रदान करेंगे, सारा बल प्रदान करेंगे, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कुछ प्रदान करेंगे। बस इम्पॉर्टेंट क्या है, हम इच्छा को उसको पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के ही जो प्रकट लीला है उसमें एक इंसिडेंट आता है कि जब उनके दोनों जो गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो अप्रकट हो जाते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, है ना, बहुत विचार करते हैं कि मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, या जो मैं लेखन का कार्य कर रहा हूँ, मैं किनको दिखाऊँगा, कौन मुझे करेक्ट करेंगे, कौन मुझे डांटेंगे, है ना, कौन मुझे सुधारेंगे, कौन उस चीज़ को देख के प्रसन्न होंगे, अभी कोई है ही नहीं तो किसके लिए करूँ मैं। तो बहुत अपने आप को ऐसे एकांत में कर लेते हैं, किसी से बातचीत नहीं, एकांत में। तो क्या होता है कि उनके पास एक कागज़ है वो उड़ते हुए आता है, और उस कागज़ में लिखा हुआ था जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को निर्देश दिए थे, वो श्लोक उस पर लिखा हुआ था। क्या उपदेश लिखा है कि लुप्त तीर्थों का आप उद्धार कीजिए, वैष्णव शास्त्रों की रचना कीजिए, और एक और था कि मंदिरों की स्थापना कीजिए। ऐसा उन्होंने तीन निर्देश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरे जो गुरु हैं उनका आदेश, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, है ना। तो फिर भी उनको इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ प्रैक्टिकल रूप से करूँ, अपना जप करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, योग पीठ में होते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, और स्वप्न आता है, और स्वप्न में पूरी गुरु शिष्य परंपरा आती है, है ना। उसमें षड गोस्वामी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और वो क्या बोलते हैं, स्वप्न में बोल रहे हैं, स्वप्न में आदेश दे रहे हैं कि सरस्वती चिंता मत करो, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ करो, गौरवाणी को पूरे ब्रह्मांड में फैलाओ, गौर नाम गौर काम गौर धाम, इसको विस्तार करो, और सनातन रूप से हम सब तुम्हारे साथ में, हम सब तुम्हारे साथ में, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारी विद्वता, सब कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आचार्यों की तरफ से, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं कि उन्होंने कुछ छोड़ दिया और हमको कुछ नया इन्वेंट करना है, सब है, बस हमें उनके साथ ट्यून होना है, बस उनके साथ फ्रिक्वेंसी अपनी मैच करनी है। तो जैसे ही हमने उनसे ट्यून हो गए, उनके साथ हमने फ्रिक्वेंसी मैच कर लिया, तो सब कुछ आ जाएगा, सारा ऐश्वर्य आ जाएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज कई बार बोलते थे कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप प्रचार करो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। जहाँ कृष्ण की सेवा हो रही है, जहाँ पे नारायण की सेवा हो रही है, पीछे पीछे अपने आप लक्ष्मी आती जाएगी। और फिर क्या बोल रहे हैं कि पूरी शक्ति के साथ महाप्रभु के संदेश को पूरे संसार में फैलाने का प्रयास करो, हम आपके साथ में हैं, सांसारिक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, वी आर फॉर एवर विथ यू, हम हमेशा सनातन रूप से आपके साथ में। क्योंकि प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे तो उनके जो प्रारंभिक शिष्य थे, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी तो हमेशा हमारे साथ में ही रहेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे,
तो उनका क्या होगा, एक अटैचमेंट हो गया। तो प्रभुपाद जी ने जब थोड़ा स्थिर हो गया सेंटर और वहाँ पर कुछ लोग भक्त लोग तैयार हो गए, तो प्रभुपाद जी ने अपने आप को ट्रांसफ़र कर लिया, सैन फ्रांसिस्को पहुँच गए। तो जो न्यूयॉर्क के भक्त थे वो सोचने लगे कि अरे हम तो सोचते थे स्वामी जी साथ में रहेंगे और हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन वो तो दूसरे सेंटर में चले गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आध्यात्मिक संबंध जो होते हैं वो भौतिक सीमाओं पर निर्भर नहीं करते हैं। जो आध्यात्मिक संबंध हैं ये आध्यात्मिक निर्देश हैं, उनको बहुत मटेरियल लिमिट नहीं कर सकती, भौतिक परिस्थितियां लिमिट नहीं कर सकती, उसको सीमा पे बांध नहीं सकती है ना। और वहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि अगर आप मेरी पिक्चर सामने रखोगे, उनसे प्रार्थना करोगे, तो मैं आपके साथ में हूँ, है ना। कोई दूरियाँ, भौतिक दूरियाँ कोई हमको अलग नहीं कर सकती। आध्यात्मिक संबंध क्या होते हैं, हमेशा नित्य काल के लिए होते हैं। तो इसी तरह से भगवान जो आचार्य हैं, भगवान हैं, वो अप्रकट हैं, हमारे दृष्टि से ओझल हैं, लेकिन अगर हम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, उनके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। वही गुरु शिष्य परंपरा है। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को भी भागवतम लिखने का निर्देश कैसे मिला। प्रभुपाद जी भगवत दर्शन पत्रिका लिखते थे, बैक टू गॉड हेड, और वितरण करते थे, है ना, दिल्ली में जाते थे वितरण करते थे। तो एक वृंदावन का ऐसी कोई साधारण ब्रजवासी वो प्रभुपाद जी को बोलता है कि स्वामी जी आप इतनी पत्रिकाएं लिखते हैं, और पत्रिकाएं तो क्या होती है, लोग पढ़ते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, आप पुस्तकें क्यों नहीं लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस व्यक्ति के माध्यम से मेरे गुरु महाराज ने निर्देश दिया कि पुस्तकें लिखो। पुस्तकें जो होती हैं वो लंबे समय तक रहती हैं, हमेशा रहती हैं, पत्रिका होंगी और चली जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने वो साधारण जो व्यक्ति थे उनसे भी ये सीखा कि मेरे गुरु महाराज का निर्देश। और प्रभुपाद जी जब वानप्रस्थ लेने वाले थे, वानप्रस्थ या ले चुके थे, तो बार बार उनके स्वप्न में भक्ति सिद्धांत महाराज आते, अभी संन्यास लो, संन्यास लेने का समय। तो प्रभुपाद बोलते थे कि मैं कैसे संन्यास लूँगा क्या, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज बार बार उनको आदेश दे रहे थे। तो इस तरह से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि गुरु के आदेशों को हम कैसे पालन कर सकें। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, रूप गोस्वामी का जो प्रणाम बता उसमें क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझ गए, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। तो उसी तरह से हमें मनोभीष्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम देखें तो गुरु जो है उनका मनोभीष्ट क्या है, उनका मनोभीष्ट है जो भगवान का मनोभीष्ट है। गुरु का तो कोई अलग से मनोभीष्ट नहीं होगा, या भगवान का अलग है गुरु का अलग है। और भगवान का मनोभीष्ट क्या है कि अंततः हम शुद्ध भक्त बने और शुद्ध भक्ति का प्रचार करें, ये सबके लिए निर्देश है, सबके लिए आदेश है कि हमें जीवन के अंत तक अपने आप को शुद्ध कर लेना, शुद्ध कम से कम शुद्ध भक्ति में एक स्तर का प्रगति तक पहुंच जाना। और वो भी किस माध्यम से होगी, हमारी शुद्ध सेवा भावना से होगी और शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, ये गुरु के लिए गुरु का निर्देश है। अभी उस निर्देश को पालन करने के लिए अलग अलग सेवाएं होंगी। तो मान लीजिए किसी की सेवा है कि आपको प्रचार करना है, किसी की सेवा है कि आपको कुकिंग करना है, किसी की सेवा है कि आपको मैनेजमेंट करना है, किसी की सेवा है कि मंदिर का निर्माण करना। ये सब सेवाएं क्या हैं, हमें अंततः शुद्ध भक्ति तक हम पहुँचें, शुद्ध भक्त बन पाए, इसके लिए सेवाएं गुरु ये चाहते हैं। तो सेवाओं के पीछे गुरु के आदेश को समझना। कोई भी सेवा आध्यात्मिक स्तर पर बड़ी या छोटी नहीं है, सारी सेवाएं क्या हैं, गुरु के मार्गनिर्देशन में। तो एक इंसिडेंट आता है कि किस तरह से जो गुरु की सेवा है हमें डिस्टर्ब कर सकती है, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज और उनके मित्र थे विष्णुजन महाराज, तो दोनों अमेरिका में पुस्तक वितरण कर रहे थे, और पुस्तक वितरण इतना अच्छा हो रहा था, उन्होंने एक राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी प्रारंभ की थी। तो एक बस, दो बस, तीन बस, आठ बस, दस बस, पंद्रह बस पूरे अमेरिका में घूम रही थी, है ना। और तमाल कृष्ण महाराज की जो
उनका कार्य करने का जो स्टाइल था वो क्या था कि किसी भी मंदिर में जाते थे और वहाँ जो ब्रह्मचारी होते थे उनको उठा लेते थे, बोले मंदिर में रहना क्या है, माया है, हमारे साथ चलो पुस्तक वितरण करने चलो। तो क्या हो रहा था कि जो मंदिर के जो प्रबंधक थे वो बहुत परेशान हो रहे थे कि तमाल कृष्ण महाराज जिस भी मंदिर में आते हैं भक्तों को ले जाते हैं यहाँ से, तो मंदिर कैसे चलेगा। तो सब जितने भी अधिकतर जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो सब तमाल कृष्ण महाराज से परेशान हो गए कि ये अपने स्टाइल से कार्य कर रहे हैं और सबको वो ले जाते हैं, लेकिन पुस्तक वितरण बहुत अच्छा हो रहा था। तो मायापुर फेस्टिवल होता है और वहाँ पर मीटिंग होती है और सारे मंदिर के अध्यक्ष वहाँ पर आते हैं और तमाल कृष्ण महाराज भी होते हैं अलग, तो सब वहाँ बोलते प्रभुपाद जी से कंप्लेन करते कि प्रभुपाद ये तमाल कृष्ण महाराज किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हमारे मंदिर कैसे चलाएंगे, हम मंदिर में कैसे प्रबंधन होगा, और सब तमाल कृष्ण महाराज को इस तरह से उनके सामने बोल रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि सब मुझसे परेशान है ना, सब मुझसे परेशान हो गए, अच्छा है कि मैं चाइना जाके प्रचार करूं। और मीटिंग क्या जाती है, ख़त्म हो जाती है ना, और सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। तो अगला दिन आता है और अगले दिन में मंगला आरती होती है, प्रभुपाद जी अपने कक्ष में चले जाते हैं और प्रभुपाद जी अपने जो सेवक होते हैं उनको बुलाते हैं और उनके अपने सेवक को बोलते हैं कि जाओ तमाल कृष्ण महाराज हैं उनको बुला के लेके आओ, उनसे बात करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, सब आपस में ही बात कर रहे हैं। तो उनके सेवक जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो किसे बोलते कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, प्रभुपाद जी बुला रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले प्रभुपाद आपको बुला रहे हैं आप, मैं नहीं जाने वाला। तो बोलते हैं प्रभुपाद ने बोला बुलाया है, तो वो जाते हैं और तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद राधा दामोदर पार्टी चल रही है, इतने भक्त हैं, इतना पुस्तक वितरण हो रहा है, तो मैं नहीं जाने वाला है ना। तो क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज ने एक दिन पहले बोला था मैं चाइना चला जाऊँ, तो बस प्रभुपाद जी ने उसको तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा, वो मैं देख लूँगा, है ना। तो फिर अंततः तमाल कृष्ण महाराज ने सरेंडर किया, तमाल कृष्ण महाराज ने वो सब छोड़ा और प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आपको शुद्ध होना है कि नहीं होना, मेरी आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना, अगर आज्ञा का पालन करना है तो चाइना जाओ। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि और तमाल कृष्ण महाराज ने एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया, सारा बस सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब छोड़ के चाइना चले गए। और आज उनके कारण चाइना में इतना प्रचार हो रहा है, चाइनीज़ जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी भक्त बन रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं गिरिराज महाराज, तो वो भी जुहू मंदिर में बहुत संघर्ष हो रहा था और बहुत 20-21 साल यंग, ऐसा कुछ बहुत सारा संसार का कोई अनुभव भी नहीं है, और भारत में लोग कैसे चीट करते हैं, धोखाधड़ी होती उसका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पर तबीयत ख़राब हो रहा है ना, इवन वहाँ पे गुंडे भेज दिए थे वो मिस्टर नायर ने, तो पिटाई हो रही है। तो गिरिराज महाराज ने कहा कि और सब वो छोड़ के जा रहे हैं, सब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, कोई नहीं रह रहा है, क्योंकि अमेरिका में प्रचार बहुत अच्छा हो रहा था और भारत में संघर्ष बहुत अधिक संघर्ष था। और प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को कहा कि आपको शुद्ध होना है कि नहीं होना है, अगर होना है तो आप जमे रहो, टिके रहो आप, है ना। तो फिर गिरिराज महाराज वहाँ पर रहे और हम देखते हैं जुहू मंदिर बना। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अलग अलग शिष्यों को, एक सन्यासी थे वो वृंदावन आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या आप वृंदावन में कर रहे हो, सन्यासी आप, आपको प्रचार करना चाहिए, जाइए वृंदावन से बाहर और प्रचार कीजिए। और दूसरे सन्यासी वहाँ थे, उनको एक दिन के बाद बोला अक्षयानंद महाराज कि आपको वृंदावन में ही रहना है, आपको वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है, जब तक ये मंदिर पूरा बन नहीं जाए तब तक आपको यहीं पर रहना है। तो जो गुरु हैं शिष्य को देखते हुए अलग अलग आदेश देंगे, किन्हीं को एक आदेश दे रहे हैं, किन्हीं को एक आदेश दे रहे हैं, किन्हीं को दूसरा आदेश दे रहे हैं, लेकिन वो जो आदेश है वो गुरु की इच्छा है और उस आदेश के पीछे उसको पालन करने का बल है।
उस शक्ति मिलेगी। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं, और प्रभुपाद लीलामृत में भी ऐसा है कि अगर श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते और कोई मूवमेंट भी खड़ा नहीं होता, कोई शिष्य भी नहीं बनते, कोई मंदिर भी नहीं खुलते, तो भी प्रभुपाद जी सफल हैं, तो भी सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो अमेरिका गए अपनी जीवन का परवाह किए बिना, ये उन्होंने किया सफल, बस। बाकी वो सब आया, वो एक वो उसका बाहरी प्रकटीकरण है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पालन किया, बस सक्सेस। हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया, बात खत्म, है ना। तो इस तरह से ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब हम भक्ति में समय होता है तो अपने अनुसार कार्य करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वर्तते कामकारता, मनमानी, हमारे अंदर क्या है, एक मनमानी का बहुत वो है, एक अनर्थ है, मनमानी करना हमको अच्छा लगता है। तो क्या होता है, जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं जो बहुत बहुत फेमस स्टोरी है, पुनर्मूषिका भवा, है ना, कि एक चूहा था, उसको बिल्ली परेशान करती रहती थी, तो साधु ने बोला कि आप बिल्ली बन जाओ, तो बिल्ली को कुत्ता परेशान कर रहा है, तो उसने बोला कुत्ता बन जाओ, फिर कुत्ते को शेर परेशान कर रहा है, तो साधु ने बोला आप शेर बन जाओ, और जैसे ही वो शेर बना वैसे ही साधु को खाना खाने का सोचने लगा, तो साधु ने क्या बोला, पुनर्मूषिका भवा, फिर से चूहा बन जाओ, है ना। तो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, और प्रभुपाद जी इसको अलग अलग स्तर से समझाते हैं। तो एक गुरु शिष्य के संबंध में समझाते हैं प्रभुपाद जी से, और एक भौतिक सभ्यता है उसके संबंध में समझाते हैं, कि जो शिष्य है ना, जो भक्त है, उसको भक्ति में गुरु के माध्यम से वो आए हैं, गुरु के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं, गुरु के माध्यम से वो स्थिरता है, गुरु के माध्यम से उनका पोषण हो रहा है, गुरु के माध्यम से वो सेवा कर रहे हैं, हर चीज़ गुरु के माध्यम से हो रही। और जब आप एक स्तर पर आ गए तो गुरु के ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, गुरु को ही बाईपास करना चालू कर दिया, गुरु को ही एक साधारण व्यक्ति समझा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपको शक्ति प्रदान की गई, जो एम्पावरमेंट मिला है, शक्ति प्रदत्ति की गई है, वो आपसे छीन ली जाएगी, कि अभी आप जिन्होंने शक्ति दिया, साधु ने जिस चूहे को शेर बनाया, जिस साधु ने चूहे को शेर बनाया, वही शेर उस साधु को खाने का सोच रहा है, उन्हीं का अवहेलना करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो अभी इस स्तर पर आया है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, असार हो जाएगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, और ऐसा होता है, ऐसे कई भक्तों के साथ में होता है ना, क्योंकि ये छुरस्य धारा है, कि कभी कभी जो सुपीरियर होते हैं, हमारे आध्यात्मिक वरिष्ठ होते हैं या गुरु होते हैं, उन्हीं पे ही विश्वास हट जाता है, उन पे ही विश्वास हट जाता है, जो हमको गाइड कर रहे हैं या जो हमारा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं के प्रति डाउट आता है, और फिर क्या होती है, हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, पूरी हिल जाती, ट्रस्ट पूरा हिल जाता है। तो जो हम श्रद्धा लेके आए हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, वो श्रद्धा का जो बीज लेके आए हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें क्या आ जाता है, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, और वो कीड़े क्या करते हैं, वो हमारी भक्ति लता को सुखा देते हैं, और जो गुरु होते हैं उन्हीं के प्रति हम डाउट करना चालू कर देते हैं, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको उन्होंने मुझे ऐसा आदेश क्यों दिया, अगर मुझे ऐसा आदेश देते तो कितना, देखो इन्होंने मेरे जीवन को ही ख़राब कर दिया। अभी कुछ दिनों में ही ऐसे कई केस आए हैं जिसमें ऐसा सुनने को मिला कि जो उनके मार्गदर्शक हैं, है ना, उनके प्रति वो विरोधी बन गए, मतलब जो उनको भक्ति में लेके आए, जो भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ही विरोधी खड़े हो गए, कि आपने मुझे ऐसा आज्ञा क्यों दिया मुझे, मतलब ये भी अभी शिष्य को बोलना पड़ेगा कि कौन सी आज्ञा दें बताइए, आप जिसमें आप प्रसन्न होंगे, शिष्य गुरु बोलेंगे कि शिष्य आप जिसमें प्रसन्न है मैं आपको वही आज्ञा दूंगा, क्योंकि आपकी प्रसन्नता अधिक जरूरी है, और कैसा ऐसा कुछ इधर उधर का आदेश दे दिया और शिष्य अप्रसन्न हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो गुरु को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर इस मानसिकता से हम
गुरु के पास में जा रहे हैं तो वास्तव में हमने गुरु का संग नहीं किया। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक राजा है सिंहासन पर बैठा है, तो राजा के पैर पे खटमल भी है और मंत्री भी बैठा हुआ है, तो खटमल भी संग ले रहा है और मंत्री भी संग ले रहा है, लेकिन खटमल क्या है, उसको खून चूस रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि गुरु हैं, साधु हैं, उनके साथ में हो और वो सोच रहे हैं कि गुरु मेरे अनुसार चलने चाहिए, ये जो वरिष्ठ भक्त हैं वो मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं उनके अनुसार नहीं चलूँगा, मैं गुरु के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं उनका आज्ञा दूंगा। तो यहाँ जो भगवान एक ही श्लोक में दो बार बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं मदाधिष्ठा और मद आदेश करो, है ना, दो बार भगवान अपनी आज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है कि किस तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमको शक्ति प्रदान होती है और गुरु की आज्ञा पालन नहीं करने से हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने 1958 में एक पोयम लिखा था जिसका नाम था विरह अष्टकम, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरोभाव दिवस आने वाला था और तिरोभाव से पहले श्रील प्रभुपाद उस समय ऐसे विचार कर रहे थे, है ना, उनको विचार कर रहे थे कि मैं जब 1932 में अपने गुरु महाराज से पहली बार मिला था उस समय मैं गृहस्थ था और उन्होंने मुझे आज्ञा दिया था और मैं कई बार उनसे मिला, उनको मैंने देखा, उनको प्रणाम किया, उनका उच्चिष्ट लिया, उन्होंने मेरी तरफ दृष्टिपात किया, उन्होंने मुझे निर्देश दिया और मुझे ये पता है कि गुरु अपने आदेशों में हमेशा जीवंत रहते हैं, गुरु अपने आदेशों में हमेशा उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने गुरु महाराज से क्या हो रहा है, विरह का अनुभव हो रहा है, उनकी जो पर्सनल प्रेजेंस है उसका मुझे वो मुझे उसकी कमी लग रही है, हालांकि मुझे पता है कि आदेश और गुरु एक ही होते हैं, है ना। और उसमें श्रील प्रभुपाद जो गौड़ीय मठ की जो स्थापना किया था उसकी स्थिति को देख कर क्या है, बहुत दुखी है, और उस दुख में और गुरु के साथ जो उनके साथ सेपरेशन है उसमें उन्होंने ये विरह अष्टकम लिखा। और बहुत ही अच्छा है ये विरह अष्टकम, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से जब डिसाइपल शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है, उनके उनके जीवन में क्या स्थिति होती, केवल उनका जीवन नहीं, उनका जीवन सामूहिक रूप से किसी समुदाय का या पूरे इंस्टीट्यूशन का, अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो क्या स्थिति होती। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि प्राण आछे जार से ही हेतु प्रचार, कि जिनके अंदर प्राण है उनको प्रचार करना चाहिए, प्रचार करें या प्रचार आंदोलन में जुड़ें, कहीं ना कहीं वो प्रचार आंदोलन में जुड़ें, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि चमत्कार तीर विचार माया मोह पासे आज हैले छार छार, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो व्यवसात्मिका बुद्धि का जो प्रिंसिपल है वो आज क्या हो गया, टूट गया, वो स्पॉइल हो गया, वो स्पॉइल को क्या बोलेंगे, नष्ट हो गया, जो आपने प्रिंसिपल दिया था व्यवसात्मिका बुद्धि वो नष्ट हो गया, और माया मोह पासे आज हैले छार छार, और माया के वश में आकर सभी छार छार हो गए, सब छिन्न भिन्न हो गया, सब टूट गया, क्योंकि उन्होंने व्यवसात्मिका बुद्धि को पालन नहीं किया। बहु शाखा विस्तार इल अवश्यम भावी हाते प्रतिष्ठा भागनी आसी योग दिलट था, कि जो जब व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं रही बहु शाखा हो गई, और बहु शाखा अंततः सारी शाखाएं किसमें मिला, प्रतिष्ठा भागनी, सब अपनी प्रेस्टीज में, सब अपनी प्रतिष्ठा में, सब अपनी प्रेस्टीज के लिए सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। तो प्रतिष्ठ नेम ऑफ फेम, प्रतिष्ठा भागिनी, भागिनी मतलब टाइग्रेस शेरनी, है ना, बताया कि जो एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षा है, प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षा है, उसने क्या कर दिया, पूरे जो मिशन है उसमें दरार ला दी, मिशन क्या हो गया, वो टूट गया। तुमार, ये बहुत अच्छा वो है श्लोक, तुमार मरम कथा ना पासिल काने योग्यता कोथाए पावे नाम संकीर्तन, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी कथा को किसी ने सुना नहीं, आपकी कथा किसी के कानों में नहीं गई, आप कथा नहीं गए मतलब आपके निर्देश नहीं गए,
आपकी आज्ञा कानों में नहीं गई, तो वो नाम संकीर्तन की योग्यता कहाँ से मिल पाएगी? अगर वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो नाम संकीर्तन की योग्यता नहीं मिलेगी। कितना महत्वपूर्ण ये लाइन। आप संकीर्तन आंदोलन में हैं, मिशन में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा को आत्मसात नहीं कर रहे, तो क्या होगा? योग्यता नहीं मिल पाएगी। बाहरी रूप से सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मिस कर जाएंगे। नाम गाने से ही है सु गुरुर वाणी, भूलिया ओ कथा सत्य नाही मानी। और हमारे गुरु महाराज ने हमको निर्देश दिया था नाम संकीर्तन करने का, और किसी ने ये सोचा नहीं कि अगर इसकी हम अवहेलना करेंगे तो क्या स्थिति होगी। अभी ये स्थिति हुई है कि सब कुछ क्या हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। तुमार रहिल तुमार उपदेश वाणी, पुनर्नुषिक भय हैल आपने। पुनर्नुषिक भय कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, किसी ने भी आपकी आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, और सब क्या बन गए, पुनर्मुषिक बन गए। सब जो लायन बने थे, लायन की स्थिति पर आप लेकर आए थे, तो वो सब लायन क्या हो गए, सब चूहे बन चुके हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपकी वो इंस्टीट्यूशन जो आपने आपकी जो संस्था बनाई थी, उसी में ही उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, उसको दरार लेके आए, है ना। सिंघेर सावक आज श्रृगाल छले, तो शेर के बच्चे को कोई सियार ले गया। बोले हैं सिंगार सावक आज श्रृगार छले, पड़िया कांदिया सबे मायार केवल, है ना। और सब जो सिंसियर लोग हैं वो सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और जो शेर का बच्चा था उसको सियार ले गया। मतलब अभी सियार जैसे लोग बैठे हुए हैं, और जो आपने शेर क्रिएट किए थे वो सब अभी वो प्रचार नहीं कर पा रहे। फिर उपाध्याय बोल रहे हैं, पतित पावन नाम पढ़िल कलंक, छाड़ा छाड़ी हैल सब वैष्णव असंख्य। कि जो वैष्णवों का नाम है पतित पावन, पतित पावन हेतु तब बोलते हैं ना पतित पावन, तो उस पतित पावन नाम पे क्या पड़ गया, कलंक पड़ गया, है ना। और छाड़ा छाड़ी हैल सब वैष्णव असंख्य, और सब भक्त क्या है, इधर उधर चले, सबने मिशन को छोड़ दिया और सब अपने अपने पर्सनल एजेंडा में चले गए। सब यूनाइटेड नहीं रह पाए, सब साथ में नहीं रह पाए। साथ में क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि सबका अपना पर्सनल एम्बिशन है। जो आपकी आज्ञा थी वो आप आज्ञा को पालन नहीं किया, और सब यहाँ पर इधर उधर चले गए। सुबह तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे अंदर सुबुद्धि जगाओ प्रभु, ए क्षुद्र अंतरे तुम्हार कथाएं जाते दृढ़ श्रद्धा बढ़े। कि इस क्षुद्र जीव में, एक छोटे से एक शिष्य में आप सुबुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे आपके आदेशों मुझे श्रद्धा जाग जाए। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि आप एक बार और आ जाइए, एक बार अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो ये मिशन पूरा बिखर गया, सब शिष्य अपने अपने उसमें चले गए, किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया, अगर आप एक बार यहाँ पर आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और प्रभुपा बोलते पुनः यदि दिक दगने प्रचार हईते, आनंदत लोक सबे हईते उच्छलिते। अगर आप एक बार आ गए और आपने अपनी हुकार से सब जगह प्रचार करना चालू किया, तो लोगों के हृदय में फिर से मंगल जाग जाएगा। तुमार विहरे प्रभु विदरे हृदय, विरह वेदना किछु प्रकाशे अभय। कि आपके विरह में मेरे बहुत दुख हो रहा है, बहुत वेदना हो रही है ना क्या। और प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि आपने इतना सावधानी से एक बगीचा बनाया था, इतनी सावधानी से उसमें पुष्प लगाए थे, इतनी सावधानी से पेड़ लगाए थे, आज वो बगीचा क्या हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया, वो बगीचा टूट गया, फूल टूट गए हैं, सब कुछ खराब हो गया बगीचा, है ना। तो तुम्हार विरदय प्रभु विदरे हृदय, कि आपकी विरह में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, विरह वेदना किछु प्रकाशे अभय। तो अभय चरणारविंद विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो विरह अष्टकम है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसमें प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि किस तरह से एम्पावरमेंट मिलता है, किस तरह से शक्ति प्रदत्त होती है, और किस तरह से शक्ति क्षीण हो जाती है, किस तरह से चीज़ें खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये बहुत विचार करने का ज़रूरत है कि हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें, प्रभुपाद जी के आंदोलन को जानें,
और उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। उन्हीं की इच्छा से ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। उनकी इच्छा हमने पालन किया तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे कि हम रामायण में उदाहरण देखते हैं भगवान राम का, तो दशरथ महाराज से वरदान लिया। हालांकि दशरथ महाराज ने बोला नहीं, माता कैकेयी ने बोला, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, आज्ञा पालन। ये आज्ञा पालन जो है बहुत बड़ा गुण है कि दशरथ महाराज ने आज्ञा दिया बस। एक जिस दिन राज तिलक होने वाला है, जिस दिन वो राजा बनने वाले हैं, अगले दिन वनवास के वेश में चले गए और कई लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज्ञा पालन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? गुरु जी, जैसे हमें पता है कि गुरु को ये चीज पसंद है, या फिर अगर हम ऐसा करने के लिए तो गुरु को पसंद है, अब पर्सनली तो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है, तो अगर हम डायरेक्टली उस सेवा में लग जाएं तो भी मतलब गुरु शक्ति प्रदान करेंगे मतलब ऐसा? ओके, तो एक होते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, एक होते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो गुरु के जितने भी निर्देश हैं सब स्पेशल हैं। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ एकांत में कुछ हमें बताएंगे और उसको हम पालन करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी ने इसे निर्देश दिया है कि 16 माला, कम से कम 16 माला ध्यानपूर्वक करना है, मंगला आरती बिना छूटे मंगला आरती करना है, साधना भक्ति के नियमों को पालन करना है। इसको हम करेंगे, इसको हम जीवन भर करते रहेंगे तो सिद्धिग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम साधना भक्ति को पालन करते हैं, हम सिंसियर होते हैं, तो गुरु देखते हैं कि अब ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, कोई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो गुरु फिर बताते हैं कि आप प्रभुपाद जी के मिशन में ये कार्य कर सकते हैं, है ना, आप प्रभुपाद जी के मिशन में ये सेवा ले सकते हैं, ये आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं। बेसिक सबके लिए है, और बेसिक भी अगर पालन किया जीवन भर तो सिद्धि मिल जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने एक लेटर में कि भगवद गीता के जो तात्पर्य हैं वो मेरे शिष्यों के लिए व्यक्तिगत निर्देश है, वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे। तो गुरु क्या देखते हैं, हमारी योग्यता को देखते हुए हम जिम्मेदारी ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, फिर हमको वो जिम्मेदारी देते हैं। तो हमें अपने आप को योग्य बनाना है कि गुरु हमको जब निर्देश दें तो उसको हम पालन कर पाएं। जब गुरु देखेंगे कि मैं उसको निर्देश दूंगा और शायद पालन नहीं करेंगे या कुछ डिफेंड करेंगे, है ना, या फिर कुछ और करेंगे, तो ठीक है रहने दो, अभी वो तैयार नहीं, प्रिपेयर नहीं। जब वो तैयार होंगे तो वो निर्देश देंगे इस तरह से। और अगर हमें कुछ लग रहा है कि ये हमें ये किया जाए तो गुरु से हम उनकी आज्ञा लें। हम पूछ सकते हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिर जैसा गुरु कहेंगे वैसा करेंगे। मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसको ख़त्म कर देना, अब गुरु पे छोड़ देना बस। और गुरु भी हमको ऐसे ही निर्देश देंगे जो हम पालन कर पाएं, हमारी आसक्ति को हटाएं, हमारा स्तर बढ़े। और गुरु के पास अगर हम केवल अपने चीज़ों को लेके जाएंगे तो गुरु हमें ऐसा आदेश देंगे कि बस बढ़िया है, देखो गुरु महाराज ने भी बोल दिया, उन्होंने भी स्टैंप लगा दिया मेरी इच्छा पर। तो बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। गुरु का प्रकृति ही गुरु का ही रोल अदा कर रहे हैं जी। ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इसमें गुरु डायरेक्टली नहीं देखते, हाँ देखते हैं प्रतिनिधि के माध्यम से जी। यस, तो गुरु या गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम से आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ने जो बताते हैं कि इसके पहले और भी मतलब
होते हैं जो महाराज के डिसाइपल थे वो यहाँ आए, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जैसे आपने बताया, कहाँ पर आए? न्यूयॉर्क, लंदन गए थे, लंदन प्रचार करने गए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं। लेकिन आपने बताया अभी कि अगर केवल गुरु का आदेश ही, केवल गुरु ने आदेश दिया तो पालन करने चले गए तो अपने आप में सक्सेसफुल है। कोई अगर नहीं भी कुछ हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो फिर जो अभी शिष्य, हाँ, तो वो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। उस घटना में क्या होता है कि जब वो लंदन जाते हैं और लंदन से वापस आते हैं तो वैसा बोलते हैं कि वहाँ प्रचार करना संभव नहीं है, वहाँ हमें उनकी तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर हम उनकी तौर तरीके नहीं अपनाएंगे तो उनके बीच में रह के प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ी श्रद्धा में कमी हो गई। तो ये गुरु के निर्देश पालन करना है और गुरु ने जो बताया है वो हमें पूरा कर रहे हैं। उसके बाद अगर बाहरी चीज वो प्रकटीकरण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा में दृढ़ विश्वास होना। तो इस तरह से वो पूरा इंसिडेंट था। ओके, यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।